नाम संजय प्रसाद डिमरी, बाबा भोकनाथ माली। ये बताइए कि आज सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आने वाले हैं? निकल गए जी, निकल गए जी। उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द आएंगे, बाबा की कृपा है। 3 दिन की कृपा, बाबा की कृपा है भाई, हमारी कोई कृपा नहीं है, बाबा की कृपा है, सब पे आशीर्वाद। बस बोलो, आप लोग बोलो, आप क्या कहेंगे बताइए। सर हम तो सब पे यही कहेंगे कि बाबा आपस में खिलाइए ना, खिलाओ ना, आपस में खिलाओ। दिवाली मनाई जा रही है, कैमरा पीछे मत लेके जाओ ना, मैं खाऊंगा। जा रहा लाइव जा रहा है भैया, झाजी जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू प्रिया पाटिल जा रहे हैं, क्या कहेंगे, लड्डू बांट के स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भोकनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी, बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा, बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी, बिल्कुल सर एक बार हमारे साथ आइएगा, संतोष तस्वीर दिखाइए यहाँ पर। आचार्य जी थोड़ा देश का, एक मिनट देश का, देश का, देश का, हो चुका है। आप इन लोगों को लेकर आप कहाँ जाएंगे? अभी तो हमको पता नहीं है, चिन्हाव से जा रहे हैं, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब हैंड ओवर करेगा हम स्टेट को लेकर जाएंगे। तो खुशी आप लोगों को भी होगी, बहुत खुशी, आप सबको बधाई हो, सबको धन्यवाद। यहाँ का प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और हमारा ओडिशा गवर्नमेंट, सबका प्रयास है, सबकी दुआ से लोगों का मुक्ति हो गया, सबसे अच्छा चीज। ले लिया वो, ठीक है। सत्य नारायण आचार्य, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर्स, ओडिशा सरकार। क्या कहेंगे? हमारा तो 3 आदमी आए हैं, अभी आने वाले हैं, निकल रहे हैं सब धीरे, ठीक है। क्या तैयारी सर, अभी प्रशासन जो डिसाइड करेगा, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ आपका क्या
अरे अरे सुनो सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश से राज समन्वयक हूँ। और सर, आपके यूपी से कितने मजदूर हैं और कितने बाहर आ चुके हैं? 8 मजदूर हैं, 3 बाहर आ चुके हैं। 8 है, 3 बाहर आ चुके हैं। जो 3 बाहर आए उनकी स्थिति कैसी है? सब बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। जी, एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है। हम लोग भी अस्पताल के लिए निकल अस्पताल जा रहे हैं आप लोग। जी, और उसके आगे क्या आप लोगों का कार्यक्रम कैसे लेके आगे? एयरलिफ्ट करेंगे, एयरलिफ्ट करेंगे लखनऊ तक। यस, कौन है? बढ़िए बढ़िए बच्चा। हाँ जी, कौन है इसमें? कोई नहीं है, इसमें सामान था। सामान इसमें कौन सा सामान? सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गए भैया। लेकर आ रहे हैं क्या? जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तुम निकलो ना। कहाँ सामान है? तुम, मैं कहता तुम निकलो तुम अब। बैक करके और एक तस्वीर में दिखाना चाहता था कि मेरे हिसाब के इस हिस्से में नीचे की तरह की जिसकी हम ऊंचाई पर है, वहां से जबरदस्त तरीके से अभी आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए हैं, अनार बम छोड़े गए हैं। एक देखिए, लगातार वहां से आतिशबाजी हो रही है। उस हिस्से में, नीचे के हिस्से में जूमिन करके रखिएगा हरिंदर, लगातार वहां से मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही है किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, आसपास के गांव के लोग, और बहुत सारी तादाद में आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में जहां पर अभिषेक खड़े हुए हैं, जो मेन बैरिकेड है वहां पर लोग वहां पर लगातार जयकारे लगा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर देश भर में। जिस दिन एक इस ऑपरेशन में, एक दिन मुझे नमका जी याद आता है, जिस दिन ये कहा गया था और भास्कर खुर्मे ने ये कहा था कि होप पुनी वी विल सेलिब्रेट भगवान।
का है कि हमने एक ऐसी किया जो असंभव सा दिख रहा था, एक ऐसी निकासी किया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद एक भी मजदूर बाहर निकल पाए, लेकिन हमने जीत हासिल कर लिया। तकरीबन 7 यहाँ पे एम्बुलेंस निकल गए हैं, बाकी जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ से निकालने की तैयारी है। सदन में देखिए मुख्यमंत्री उपस्थित है, हरपाल सिंह जो बी आर ओ के निदेशक है वो भी वहाँ मौजूद है, और जो वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद है उनके चेहरे पर भी निश्चित तौर पर सुकून के भाव दिख रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी सुकून के भाव है, क्योंकि ये जीत है, ये भारत की जीत है, ये नए भारत की जीत है, और एक तरह से पूरे दुनिया को इस जीत ने बताया। मैं लाइट उस पर ही काम कर रहा हूँ।